नमस्कार, मैं एआई एंकर सना लेकर आई हूं इस हफ्ते के बड़े एआई अपडेट्स। एआई की दुनिया में इस हफ्ते इंडिया में हुए ग्लोबल एआई समिट को ग्लोबल अट्रैक्शन मिली। इस समिट के लिए दुनिया भर से एआई एक्सपर्ट हाईटेक सिटी हैदराबाद पहुंचे। वहीं एआई के दूसरे बड़े अपडेट्स में गूगल जेमिनी जुड़ी खबरें भी छाई रही। मैं आपको एआई टू जी के इस खास शो में हफ्ते भर के बड़े एआई अपडेट्स के बारे में बताऊंगी। आइए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप आज तक एआई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में हुए ग्लोबल एआई समिट की। भारत के हैदराबाद में ग्लोबल एआई समिट का आयोजन हुआ। इसकी थीम मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन रही। ये इवेंट 5 और 6 सितंबर तक चला। इस दौरान एआई को लेकर डिबेट, सवाल जवाब और एआई के फायदे और उसकी चुनौतियों के बारे में बताया गया। इस इवेंट में तेलंगाना सरकार ने एआई सिटी के अपने विजन को अनवील किया। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो हैदराबाद के पास 200 एकड़ में बनाई जाएगी। एआई सिटी कोलैबोरेशन के लिए आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी। इससे नेक्स्ट जनरेशन की एआई टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इसमें अत्याधुनिक डेटा सेंटर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज होंगी। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली मेट्रो से जुड़ी स्टोरी पर। एआई का इस्तेमाल हर एक सेक्टर में तेजी से हो रहा है और अब डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एआई पावर्ड चैटबॉट को लॉन्च किया है। इस एआई पावर्ड चैटबॉट का नाम चेतना है। इस चैटबॉट को डीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। चेतना को यात्रियों को मेट्रो से जुड़ी जरूरी इन्फॉर्मेशन जल्द ही अवेलेबल कराने के लिए डिजाइन किया गया है। चेतना जर्नी प्लानिंग और रियल टाइम रूट गाइडेंस से लेकर टिकट की जानकारी और आम सवालों के जवाब तक दे सकती है। अब बात करते हैं एलन मस्क की। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने की चर्चा भी खूब हो रही है। इस बीच अब एलन मस्क ने XAI कोलोसस का ऐलान कर दिया, जो अब ऑनलाइन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क का दावा है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल एआई ट्रेनिंग सिस्टम है। बता दें कि XAI एलन मस्क की एआई रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी है। XAI कोलोसस ट्रेनिंग क्लस्टर रियल में खास है क्योंकि इसमें 100,000 H100 NVIDIA GPUs का इस्तेमाल किया गया है और मस्क का दावा है कि कुछ महीनों में इसका साइज डबल हो जाएगा, यानी 250,000 H200। एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इसे सिर्फ 122 दिनों में पूरा किया गया। कोलोसस को एनवीडिया के सपोर्ट से डेवलप किया गया है। अब बात करते हैं गूगल के जेमिनी की। गूगल के जेमिनी को एक नया एआई फीचर मिल रहा है। इस फीचर से यूजर्स मोबाइल ऐप के अंदर फाइल्स को अपलोड और एनालाइज कर सकेंगे। इस फीचर का नाम अपलोड एंड एनालाइज फाइल्स है। इसके साथ यूजर्स डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकेंगे और फिर एआई उस कंटेंट को एनालाइज करेगा। आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी लॉन्ग रिसर्च पेपर को ऐड कर रहे हैं, इसके बाद आप जेमिनी से समराइज करने के लिए कह सकते हैं। ये फीचर अभी जेमिनी ऐप के पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। टाइम मैगजीन ने अपनी प्रेस्टीजियस टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में सबसे ज्यादा असर डालने वाले लोगों को शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में कई इंडियंस का नाम भी शामिल है। लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का नाम भी मौजूद है। मैगजीन ने अनिल कपूर को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है। टाइम की लिस्ट में इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन निलेखनी का नाम भी शामिल है। अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी पर। ओपेरा ब्राउजर पर एक नया एआई फीचर मिलने जा रहा है। इस पर यूजर्स इमेज से जुड़ी सर्च क्वेरी कर पाएंगे। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि इस फीचर का मकसद यूजर को ये समझाने में मदद करना है कि इमेज में क्या दर्शाया गया है। इस फीचर का नाम इमेज अंडरस्टैंडिंग है। ये ओपेरा के आर्या चैटबॉट के इंटरफेस में ही अवेलेबल होगा। एक बार इमेज अपलोड करने के बाद चैटबॉट कंप्यूटर विजन के जरिए इसे प्रोसेस करेगा और इमेज से जुड़े सवालों के जवाब देगा। यूजर्स एक ही वक्त पर 3 इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्सेस जान सकते हैं। ये फीचर सिर्फ इमेज में दिखाई देने वाली चीजों के बेसिस पर ही सवालों के जवाब दे सकता है। इमेज अंडरस्टैंडिंग अभी ओपेरा डेवलपर बिल्ड के लिए ही अवेलेबल है।
इस वीक का अगला अपडेट भी गूगल से जुड़ा हुआ है। गूगल ने अब यूजर्स के लिए फोटोज को सर्च करना और भी आसान कर दिया है। इस फीचर का नाम आस्क फोटोज है। ये फीचर गूगल के जेमिनाई मॉडल से पावर्ड है। इससे यूजर्स नेचुरल और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करके गूगल फोटोज में इमेजेस और वीडियोस सर्च कर सकेंगे। आप अब स्पेसिफिक सीन्स या मूवमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकेंगे। इसके बाद गूगल फोटोज सबसे रिलेवेंट रिजल्ट्स दिखाएगा। नया आस्क फोटोज फीचर अभी अर्ली एक्सेस में है और इसे अभी गूगल लैब्स के पार्ट के तौर पर अमेरिका में सिलेक्टेड यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। अगर आप इसे जल्दी ट्राई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसके लिए आपको वेट लिस्ट में साइन अप करना होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।